नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लक्सर तहसील में लगातार कोरोना से इन्फेक्टेड अधिकारियों की संख्या में इजाफे को देखते हुए लक्सर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा के द्वारा लक्सर तहसील में आगमन पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर लक्सर तहसील में कार्यों पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। लक्सर उपजिलाधिकारी का कहना है कि जैसे पिछले 1 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उनमें से लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी व उनके स्टाफ के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और माननीय न्यायालय का 1 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सभी के कार्यालय तहसील परिसर में ही है। लक्सर तहसील परिसर में 10 से 12 विभागों के कार्यालय है। इसी क्रम में लक्सर तहसील को सैनिटाइज कराने के लिए 2 दिन के आगमन पर रोक लगाई गई है। लक्सर से आप देख रहे थे हमारे संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। पूर्ण रूप से बंद तो नहीं है, जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके रिगार्डिंग सारे कार्यालय खुले हैं। ऊपर जुडिशरी का ऑफिस भी खुला है और तहसील में भी कार्यालय खुले हैं। बट विगत 1 वीक से जिस तरह से कंटिन्यू पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, पहले CO साहब और उनका पूरा स्टाफ, क्योंकि सबके ऑफिस इसी परिसर में हैं, वो पॉजिटिव पाए गए थे और कल एक जुडिशरी कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी लक्सर तहसील में आवाजाही लोगों की रोक दी गई है और पूरी तहसील को एक तो आज पूरी सैनिटाइज करवाया गया है और कल भी इसको पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा। तो 2 दिन के लिए थोड़ा सा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, क्योंकि एक छोटा सा कैंपस है लक्सर तहसील का और कम से कम 10 से 12 डिपार्टमेंट के ऑफिस इस परिसर में हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कोविड वायरस के जो एक इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए और प्रिकॉशंस के तौर पे सभी लोगों को सैंपलिंग करवा रही है। जितने भी लोग परिसर में रह रहे हैं उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है और ताकि चीज़ों को इजीली कंट्रोल किया जा सके।